रामपुर में नव भारत पत्रकार एसोसिएशन की ओर से सभी टीम के पदाधिकारी एवं सदस्यों ने 43वां राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस मनाया। साथ ही इस मौके पर नव भारत पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अफ़ान अहमद और उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार अधिकारी ने फूल माला डालकर सभी पत्रकारों का स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकार साथियों के साथ पत्रकारिता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। आपको बता दें कि प्रथम प्रेस आयोग ने भारत में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा एवं पत्रकारिता में उच्च आदर्श कायम करने के उद्देश्य से एक प्रेस परिषद की कल्पना की थी। परिणाम स्वरूप 4 जुलाई 1966 को भारत में प्रेस परिषद की स्थापना की गई, जिसमें 16 नवंबर 1966 से अपना विधिवत कार्य शुरू किया। तब से लेकर आज तक प्रतिवर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व में लगभग 50 देशों में प्रेस परिषद या मीडिया परिषद है। राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता एवं जिम्मेदारियों की ओर से हमारा ध्यान आकृष्ट करता है। जिला अध्यक्ष अफ़ान अहमद ने कहा कि मीडिया को समाज का दर्पण एवं दीपक दोनों माना जाता है। दर्पण का काम है समतल दर्पण की तरह काम करना, ताकि वह समाज की हूबहू तस्वीर समाज के सामने पेश कर सके। परंतु कभी कभी निहित स्वार्थों के कारण ये समाचार मीडिया समतल दर्पण की जगह उत्तल या अवतल दर्पण का तरह काम करने लग जाते हैं। इससे समाज की उल्टी अवास्तविक काल्पनिक एवं विकृति तस्वीर भी सामने आ जाती है। इस मौके पर कई पत्रकार मौजूद रहे। देखिए, आज नव भारत पत्रकार एसोसिएशन की तरफ से 43वां जो है नेशनल प्रेस डे मनाया गया है, जिसमें हमारे सारे पदाधिकारी सदस्य और नव भारत पत्रकार एसोसिएशन की टीम जो है उपस्थित रही। इस मौके पर जो है पत्रकारों की जो समस्याएं थी उनको लेकर चर्चा की गई, और जो पत्रकार और प्रशासन के बीच का जो रवैया है उस पर किस तरीके का जो है प्रशासन की तरफ से गलत तरीके से पेश आना, उसको लेके जो है यहाँ पर विभिन्न जानकारियों को लेके चर्चा की गई। सभी ने बड़ी निष्पक्ष से अपनी बात रखी। आज इस मौके पर नेशनल प्रेस डे के मौके पर मैं यही कहूँगा कि सब लोग जो है जो पत्रकार बंधु हैं वो पूरी ईमानदारी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करें, किसी कहने पर कोई ऐसी खबर ना चलाएँ जिससे प्रशासन शासन पर कोई असर पड़ता है या सरकार पर कोई किसी तरीके का एलिगेशन लगता है। सिर्फ ये है कि हम पत्रकारिता करें तो सरकार को भी घेरें, ऐसा नहीं है, मगर जहाँ सरकार घिरती हो, ये नहीं कि खाली ऐसे ही हम लोग किसी के कहने पे हम अपलोड हैं। पत्रकारिता बिल्कुल बारीकी से करें, हर बिंदु पर हर पहलू पर नज़र रखें, पूरी इंफॉर्मेशन ली जाए कि जिस थाने से संबंधित खबर हो उस थाने के इंचार्ज से वेरिफिकेशन किया जाए, उसके बाद हम उस खबर को प्रकाशित करें। आज हमारा संगठन ने जो है यहाँ पर प्रेस डे मनाया है, और यहाँ पर सभी ने ये शपथ भी ली है कि सारे लोग ईमानदारी से पत्रकारिता करेंगे। मेरे हमारे साथ उपाध्यक्ष भी हैं, उनसे भी कहूँगा कि वो भी अपने दो शब्द रखें। देखिए, नेशनल प्रेस डे के डे का जो पर्पस है, उसको बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि पत्रकारों के अधिकारों का हनन ना हो, पत्रकारों की सुरक्षा हो। पत्रकार हमारे समाज का एक प्रमुख अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है, और ये समाज के लिए सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा और उनकी आलोचना करने का काम जो है वो भी करता है। और पत्रकार हम सब लोग संगठित रहें, अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े हों। इस मौके पर मैं हम सभी पत्रकारों से यही कहना चाहता हूँ। प्रेस डे का जो पर्पस है, उसको बनाने का जो उद्देश्य था वो यही था कि पत्रकारों के अधिकारों का हनन ना हो, पत्रकारों की सुरक्षा हो। पत्रकार हमारे समाज का एक प्रमुख अभिन्न अंग है, अभिन्न पार्ट है, और ये समाज के लिए सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उन कार्यक्रमों की समीक्षा और उनकी आलोचना करने का काम जो है वो भी करता है। और पत्रकार हम सब लोग संगठित रहें, अपने अधिकारों के लिए एक साथ खड़े हों। इस मौके पर मैं हम सभी पत्रकारों से यही कहना चाहता हूँ। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।